बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज अलीना का सवाल है और जुनैद का सवाल है, दोनों का सवाल इनफैक्ट दामाद के हवाले से है। और दामाद की किस्में तो आप जानते हैं, दो किस्में होती हैं, एक अपने घर में दामाद होता है, एक आपके घर में दामाद होता है। यानी जो अपने घर में दामाद होता है वो तो दामाद ही होता है, पर जो आपके घर में ससुराल के घर में दामाद होता है इसको हम घर दामाद कहते हैं, और इसका स्टेटस थोड़ा फर्क होता है। अगर तो गांव में हो तो अल्लाह माफ करे, लोग ताने दे देकर मार देते हैं, लेकिन शहर में हो तो बहुत दफा तो पता ही नहीं चलता, तो जिंदगी फिर स्मूथ चलती रहती है। जुनैद ने, वो चूंकि किसी जगह घर दामाद हैं, उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस वहां हुई हैं जिस वजह से उन्होंने मुझसे सवाल किया। और अलीना की अभी हाल ही में शादी हुई है, तो 9 माह हुए उन्हें अपने घर में रहते हुए। अच्छा, मैंने जो ज़ाती तौर पे मुशाहिदा किया, मेरे चूँकि दो ऐसे दोस्त हैं कि जिनके घरों में घर दामाद हैं, एक का तजर्बा तो बहुत शानदार रहा। उनकी उस बेटी की यहाँ माशाल्लाह कोई 4 औलादें हैं और एक पूरा इंडिपेंडेंट पोर्शन उनके पास है। दामाद के साथ उनका जो तर्ज अमल है वो बहुत शानदार, बहुत उम्दा, रिस्पेक्टफुल बेटों की तरह। और उनके यहाँ कुछ 6 बेटियाँ हैं, तो 6 बेटियों में से 5 ब्याह के अपने अपने घरों में चली गई, एक बेटी उन्होंने अपने पास रख ली। पर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, इस वक्त उनका घर भरा हुआ है उन बच्चों से जो उनके नवासे नवासियां हैं। वो अपने बाप को बाप नहीं कहते, वो नाना को अब्बा कहते हैं और नानी को अम्मा कहते हैं। सो घर में जो बाइंडिंग होती है फैमिली वाली, इट्स देयर। उन्होंने अपने दामाद को कभी कमतर नहीं जाना और ना कभी एहसान जताया। देखिए, असूली तौर पे तो दामाद और उसके माँ बाप का एहसान है कि उन्होंने अपना बेटा आपको दे दिया, कि पाला पोसा हमने, तो चूंकि आपको दिक्कत है आने वाले दिनों में, आप बीमार होंगे, उम्र आपकी बढ़ जाएगी, तो आप इसे घर में रखना चाहते हैं। मैंने देखा कि दो तरह के लोग घर दामाद रखते हैं, एक तो जिनकी बेटियाँ इकलौती होती हैं उन्हें होता कि हमारी बेटी हमारे पास रहे, दूसरे वो होते हैं जिनके पास बेटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और ये भी अक्सर उन्होंने बेटी की तलाश में उनकी तादाद बढ़ाई होती है, लेकिन कुदरत को नहीं मंजूर होता, तो फिर आखिर में वो इस नतीजे में पहुंचते हैं, या सबसे छोटी बेटी या सबसे बड़ी बेटी या किसी मंझली बेटी, किसी एक को वो कायल कर देते हैं जिसे ज्यादा मोहब्बत होती है, तो वो फिर घर में रहती है और उसका मियाँ घर दामाद के तौर पर रहता है। जिन घरों में घर दामाद से बहुत बुरा सलूक होता है, आमतौर पर वहाँ इतनी टसल बन जाती है, इतनी बदमजगी होती है कि जो ही वो जॉब से या काम से घर आता है तो उसको देखते ही एक इनकबास किसी कैफियत होती है जो सास के चेहरे पे आ जाती है। ससुर आमतौर पे इस रिश्ते को खराब नहीं करते, सासें हैं जो आमतौर पे इस रिश्ते को खराब करती हैं। मैंने कुछ असूल निकाले हैं अपने तजर्बे और मुशाहदे की रोशनी में, तो सोचा आपसे वो शेयर करें। ऐसा रिश्ता है जो वांटेड नहीं है, जो बहुत डिजायर्ड नहीं है, अनडिजायर्ड है, पर हो गया, आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरत है। तो भले लोगों, जब कोई चीज़ आप कर लेते हो तो फिर उसमें वो दूध में क्यों मक्खी डालते हो? अगर दामाद की इज्जत नहीं करोगे तो घर में बदमजगी होगी, अगर उसके सामने उसके माँ बाप की बदखोई करोगे, उनकी माली कमजोरी, उनकी समाजी कमजोरी, उनकी कोई कमी कोताही जो आपके पास आती रहती है, ये जिसे कहते हैं ना ममनुआ इलाका, फॉरबिडन एरिया होना चाहिए। दामाद के साथ कभी ना बेटी को, ना बेटी की माँ को, ना बेटी के बाप को, किसी को उसके खानदान के बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता वो जब जब जाना चाहे अपने माँ बाप से मिलने के लिए, तो वो आपकी बहू नहीं है, दामाद है, तो वो जाएगा, उसे जाने देना चाहिए, उस पर पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। बाद घरों में नादानी ये करते हैं, कहते हैं तुम हो जाओ, बच्चों को लेके ना जाओ, यानी बहू को भी ले, अपनी बेटी को भी नहीं भेजना और बेटी के बच्चों को भी नहीं भेजना, तुसी वैसे बाय द वे मामे लग रहे हो, तो लगते तो मामे ही है, लेकिन ये बहुत जालमाना, अहमकाना और खतरनाक काम है जो आप कर रहे हो। अगर वो रूठ के घर चला जाए, वापस ना आए, फिर क्या करोगे? फिर आपके पास फेस सेविंग के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। दामाद को ये भरम है, ये रिश्ता है ही भरम का, भरम कभी ना तोड़े। भरम टूटता है आंखों से, भरम टूटता है बेलिहाज लफ्जों से, भरम टूटता है अगले की दिल आजारी करने से,
भरम टूटता है उसके प्यारे मोहब्बत वाले रिश्तों पे हमला करने से, भरम टूटता है उसकी इज्जत का वो लेवल जो वो चाहता है उसको ना देने से, भरम टूटता है जब आप अपना एहसान उसे जिताते हैं, और भरम टूटता है जब उसकी मोहब्बत का आप इनकार करते हैं। इन चीज़ों को जब भी आप जहन में रखो तो यकीन मानिए ये रिश्ता बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो अलीना बेटा आप अपनी अम्मा को समझाइए कि वो अपने दामाद को स्पेस दे और उसको इज्जत भी दे इकराम भी दे। अगर आपने घर के छोटे छोटे काम उससे कहने हैं तो फिर ओब्लाइज हो, उसको बेटे का स्टेटस दें कि प्यारे बच्चे ये तू नहीं संभालना है, ये काम तू नहीं करने है, ना मुझसे होने ना तेरे अब्बा से होने, ये कहिए उससे। और फिर जब काम कर लिया करे तो शाम को उसके कंधे पे थापी भी दिया करे, कभी कभी माँ की तरह उसको अपने बाजुओं के हिसार में लेके उसके माथे पे प्यार भी दिया करे। फिर बेटा समझे उसको, जब रखा है काम उससे चाहते हैं वो वाले तो उसको वो डिग्निटी, वो एजाज, वो इकराम, वो मोहब्बत भी उसको दे जो उसका इस्तेकाक है, जो रिश्ता चलता रहेगा। और जो मर्दाना एंगल से सवाल था तो अब जो समझिए कि अब आपको दिल बड़ा करना है, आप उनकी मजबूरी की वजह से आए थे, तो मर्द हमेशा ज़र्फ बड़ा कर सकता है। अगर आपकी बीवी की अम्मा कभी कभी ज़्यादा तंग करती है, ज़्यादा इंटरफेयर करती है, क्योंकि घर दमादी में एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपका सांस बंद होने लगता है, क्योंकि नानियाँ समटाइम बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हैं, उनको अपने दामादों को, अपनी बेटियों को और इवन उनके बच्चों को स्पेस देना चाहिए। स्पेस देना ये होता है वो पहनेंगे क्या, वो खाएंगे क्या, वो ओढ़ेंगे क्या, वो सैर पर जाएंगे, किसके घर जाएंगे, सोशल लाइफ कहाँ कहाँ, ये उनका इस्तेहकाक है, लेट देम डू। हर चीज़ का फैसला आप नहीं करोगे। देखें बहू जब घर में होती है ना ससुराल में, उसने कहीं जाना तो सास से पूछ के जाए, तो आप होली होली हमने इसको मान लिया कि चले ठीक है सास बड़ी है पूछ के जाए, पर अल्लाह के बंदो यहाँ मर्द है वो घर का, अपने घर का तो वो सरबराह है ना, आपके पास तो बेटे के तौर पे रह रहा है, तो अब उन्होंने कहीं जाना है तो वो क्यों आपसे पूछे। अगर वो बेटी अपनी बीवी को लेके, बच्चों को लेके शाम को सैर पे जा रहा है तो काफी आप जाते हुए बता दे कि अम्मा हम जरा सैर पे जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं पूछा, बताया क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं जिक्र किया। अच्छा अब आप फंस क्रिएट कर रहे हैं सासों वाली, ये नहीं करनी चाहिए, इससे अगली दफा वो लेके नहीं जाएगा, फिर आपकी बेटी सारी उम्र उसी कमरे में पड़ी रहेगी और वो उसको मुंह लगाना होले होले छोड़ देगा। जब भी किसी की इज्जत को आप यूं बेवकत करेंगे और उसके इख्तियार को और उसके यूं समझे फैसलों को डिसओन करेंगे, फिर दिक्कत तो होगी। कुछ आपके कमेंट्स हैं, वली कहते हैं, एम वली सर आपकी वीडियो पे जादूगरों के एड्स आ रहे हैं, मेरे बच्चे ये जितने मुझे जहर लगते हैं उतने आपको नहीं लगते होंगे, पर सच्ची बात है मैं तो स्वयं रिपोर्ट करने के लिए चाहता हूँ कि आप इसको रिपोर्ट कर दिया करें, फिर शायद कुछ कम हो जाए, पर अब जो मैंने बाकी अपने देखे उसमें ऐड निस्बतन कम हुए हैं। मह कहती है कि सर डार्क चिन के हवाले से कुछ बताइए। बेटा ये एक तफसील तलब है, इस वक्त तफसील से इस पर बात करेंगे। नौशी कहती है कि सर अगर रिश्तेदार खुशियों में आपके साथ हो, अगर आप पे कोई मुश्किल पड़े तो आपका साथ छोड़ दे, तो ऐसे रिश्तेदारों से क्या सलूक करना चाहिए। मेरे बच्चे ये कौन सा मसला है, आपको कोर्ट थोड़ी हो ना कोई पुलिस हो कि क्या फैसला कर, क्या उनके गर्दन उतारनी है। इंसानों का पता चल जाता है उनकी क्वालिटी का, मुश्किल में जो भी साथ खड़ा होगा वो काबिले कदर होता है, काबिले इतबार होता है, काबिले भरोसा होता है, इवन इस काबिल होता है कि उसके साथ रिश्तेदारियां भी की जा सके। पर जो इस कैटेगरी पे, इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता, वो पहले हमारे दिल से उतरता है, फिर नज़रों से उतरता है, और फिर होले होले हमारे जुमलों से और हमारे हाथों से भी उतर जाता है। ओके लेट हिम गो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये इब्दाई उम्र में ही किसी छोटी सी मुश्किल में ही उसका पता चल गया और वो आपसे उसकी जान छूट गई। वरना किसी ऐसे मौके पे जहाँ आपको उसकी सपोर्ट चाहिए होती, आप सोचते कि मेरी पुश्त पे वो खड़ा है खानदान, और उस वक्त वो सबसे ज्यादा जो कमेंट्स हैं इस बात पे आए हैं, ये जो नंद या ननद ऊपर जाते हुए आपको इग्नोर करके आती, तकरीबन हर बेटी ने एक ही बात कही है कि मेरे ही घर की कहानी लिखी, आपको किसने बताया कि मेरे घर में, तो उसे अंदाजा कीजिए ये पढ़ी लिखी लड़कियां, नॉर्मल लड़कियां कैसे एबनॉर्मल हो जाती हैं जब अपनी मर्जी की भाभी घर ले आती हैं, फिर उनका सुख और खुशी आपसे देखी नहीं जाती। क्या है कि अपने घर में लाके तो दिलदारी करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, लिहाज करते हैं,
आपका वो घर नहीं रहा, अब आप ब्याह के अपने घर में चली गई हुई हो, वो घर आपके माँ बाप के बाद उसी भाई और उसी भाभी का है। तो अकल तो ये कहती है कि उनसे बना के रखे, कम अकली हो तो फिर इंसान उनसे बिगाड़ता है और उनको नजरअंदाज करता है। आज आप नजरअंदाज करोगे तो कल जब आपका जी चाहेगा कि वो आपको नजरों में रखे तो फिर आपको वो नजरों से गिराएगी, औरत भी, उसके बच्चे भी और आपका वो भाई भी। तो इनफैक्ट अकल इस्तेमाल करने की चीज है, इसको किसी लॉकर में रखने से, किसी घर के पिछले कोने में रखने से जिंदगी नहीं खूबसूरत होती। जिंदगी खूबसूरत करनी है तो फिर मामले को, मामलात को, रिश्तों को, लोगों को और लोगियों को बहुत प्यार से रखना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत, अस्सलाम।